हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आज आपको हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ i20 के। तो जो सबसे पहला हिडन फीचर i20 में है वो है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन वेंट्स को बंद कैसे करें। तो जैसे कि अभी जैसे कि नॉर्मल है, अभी इसको बंद करने के लिए और गाड़ियों में वो ऐसे स्विच होता है ऊपर नीचे करने का, लेकिन इसमें ये देखो इसको ऐसे कर देंगे, जैसे कि इसके ऊपर लिखा भी होगा, अगर इसको हम इधर कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। तो अब ये तो इसमें अब और अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो इसमें से बंद हो गया ये वाला वेंट। जैसे ये वाला ओपन है और ये वाला बंद है। तो यार ये पहले एक कह सकते हो आप इसको हिडन फीचर है i20 का। और अब दूसरे हिडन फीचर की तरफ चलते हैं। दूसरा हिडन फीचर है इसका ये अनलॉक करने का ऑप्शन। अब जैसे कि गाड़ी मैं लॉक कर देता हूँ, गाड़ी अब हो गई है लॉक। अब आप देखोगे ये लॉक है गाड़ी यहाँ से, और अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो गेट ओपन हो जाएगा। तो ये इसका एक दूसरा हिडन फीचर होता है। जैसे कि मैं गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ और मेरे को सीधा गाड़ी से उतरना है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये इसमें इसके साथ ही खुल जाता है ये। और अब बात करते हैं तीसरे हिडन फीचर की, वो है इसकी स्क्रीन। अब जैसे कि ये स्क्रीन चल रही है, मैं इसकी चाबी निकाल देता हूँ, इसके बाद भी ये स्क्रीन चल रही है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि गाड़ी लॉक हो चुकी है, अब मैं इसको इसमें कुछ भी चला सकता हूँ, अब मैं इसमें कुछ भी चला सकता हूँ, ये सिर्फ 5 मिनट तक एक्टिव रहेगी ये चाबी। अब मैं इसमें अब इसका एक और फीचर बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी में मैं आया, गाड़ी मैंने लॉक कर दी, और फिर जैसे कि मैंने गाड़ी में शीशा जैसे डाउन कर रखा है, और अब मैं गाड़ी में आया, मैंने चाबी निकाल ली, इसके बाद मेरे को लगा कि यार शीशा डाउन है, तो इसके लिए मेरे को दोबारा चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ, ऐसे ऑपरेट कर सकता हूँ उस वाले को भी, मतलब चारे शीशों को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ बिना चाबी लगाए। देखो चाबी मेरे हाथ में, चाबी नहीं लगा रखी मैंने। तो एक ये भी इसका एक हिडन फीचर है। ये जब तक वर्क करेगा जब तक मैं गेट नहीं खोलूँगा। जैसे अब मैंने गेट खोल दिया तो अब ये नहीं काम करेगा। अब अगला हिडन फीचर है गाड़ी में, जैसे कि जो ये USB पोर्ट है ना, ये 24 आवर वर्किंग है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे अभी तो मैंने चाबी लगा रखी गाड़ी में, अब मैं चाबी को निकाल लेता हूँ गाड़ी को, और जैसे मैं गाड़ी को लॉक भी कर देता हूँ, जैसे ORVM भी फोल्ड हो गए, मैं इसको भी अब गाड़ी को ओपन करके बंद करके और फोल्ड लॉक कर देता हूँ, गाड़ी अब लॉक हो चुकी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि जो ये वाला पोर्ट है ना इसका, ये 24 आवर वर्क करता है। जैसे मैंने प्लग किया, अब ये फ़ोन ऑन लग गया चार्ज, ना गाड़ी में मैंने चाबी लगा रखी ना और कुछ, ये देखो ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ये वाला पोर्ट इसका 24 आवर वर्क करता है। अगर यार आप कहीं गाड़ी पार्क करके जा रहे हो और बैटरी नहीं हो, तो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के आप देख सकते हो कि आप जब आप आओगे तो चार्ज मिलेगा आपको आपका फ़ोन। अब मैं आपको अगला हिडन फीचर बताता हूँ गाड़ी का। जैसे कि मेरे को गाड़ी लेके जानी है, और गाड़ी में मैं नहीं चाहता कि कहीं पे आवाज़ करे या कहीं ऐसी जगह खड़ी हो, तो मैं यार गाड़ी की जो चाबी होती है ना, पावर लॉक बटन और अनलॉक बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूँगा। अब ये म्यूट हो गई है गाड़ी, अब मैं देखो अनलॉक करता हूँ, आवाज़ नहीं करेगी, गाड़ी ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से करने के लिए मैं इसको फिर से 5 सेकंड्स के लिए बटन को दबाए रखूंगा। जैसे ये लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है, मतलब कि इसकी आवाज़ फिर से आ गई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।